नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का। तो साथियों, आज हम मैच कवर करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में सेकंड टेस्ट मुकाबला जो खेले जाने वाला है 2 फरवरी को 9:30 पे मॉर्निंग में। दोस्तों मुकाबला स्टार्ट होगा राजशेखरा रेड्डी विशाखापट्टनम की पिच पर। तो दोस्तों आज के मैच में हम कौन से खिलाड़ी को ग्रैंड लीग टीम में कप्तान बना के चले, इंग्लैंड की तरफ से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएगा और दोस्तों इंडिया की तरफ से कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाएगा, विशाखापट्टनम की जो पिच है वो कैसी है, बैटिंग की पिच है या फिर दोस्तों बॉलिंग पिच है, और जो फाइनल जो भी अपडेट होगी मैच से रिलेटेड वो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, तो जल्दी से जाके दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन लेना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था दोनों टीमों के बीच जो पहला टेस्ट मैच हुआ था उसमें दोस्तों जो हमारे ड्रीम प्लेयर थे 10 प्लेयर जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किए थे, सीवीसी भी मेरा सेम था और 10 खिलाड़ी दोस्तों ड्रीम प्लेयर थे। काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था उस मैच में और ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया रैंक आई थी। तो आज के मैच को भी दोस्तों इसी प्रकार से कवर करेंगे, जानेंगे एक एक पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं राजशेखरा रेड्डी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों पिच आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच देखने को मिलेगी। टोटल इस पिच पर अभी तक 2 टेस्ट मैच मुकाबले खेले गए हैं और दोनों के दोनों मुकाबले दोस्तों जो टीम पहले बैटिंग करके गई है उसी टीम ने विन किए हैं। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों इस पिच पर इंडिया की टीम ने बनाया था 502 रन का और सबसे कम स्कोर दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने बनाया था 158 रन पे ऑल आउट। बात करें अगर स्कोरिंग पैटर्न के बारे में तो दोस्तों यहां पर जो एवरेज स्कोर होता है फर्स्ट इनिंग का 480 के करीब आपको फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है। सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर दोस्तों यहां पर 343 का है और जो थर्ड इनिंग का एवरेज स्कोर है 264, फोर्थ इनिंग का एवरेज स्कोर 175। तो स्टार्टिंग की इनिंग में दोस्तों यहां पर 480 के करीब आपको एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है, उसके बाद दोस्तों पिच धीरे धीरे आपको स्लो होती हुई नजर आ जाएगी। बात करें अगर बॉलिंग की तो लास्ट के 2 मुकाबलों की बात करें तो दोस्तों पेसर्स को 23 विकेट और स्पिनर्स को दोस्तों 47 विकेट इस पिच पर मिली है। तो स्पिनर्स बहुत ही बढ़िया च्वाइस है, अश्विन को दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टनशिप में ट्राई करके रखना, प्लस में दोस्तों आपके लिए अक्षर पटेल भी इंपोर्टेंट खिलाड़ी होंगे सीवीसी के लिए, दोनों स्पिनर बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर बात करें दोस्तों यहां पर रिसेंट के जो मैचेस खेले गए थे उसमें दोस्तों क्या परफॉर्मेंस हुआ था, तो दोस्तों रिसेंट में यहां पर 2024 में लगभग रणजी ट्रॉफी का जो मैच खेला गया था यहां पर, तो यहां पर दोस्तों जो विकेट मिली थी 10 विकेट मिली थी यहां पर स्पिनर्स को, 11 विकेट पेसर्स को। फिर इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट मुकाबला खेला गया, 22 विकेट दोस्तों स्पिनर्स को मिली थी, 9 विकेट पेसर्स को। उसके बाद इंडिया और इंग्लैंड के बीच में मैच खेला गया 2016 में, यहां पर दोस्तों इंडिया की टीम ने मैच को विन किया था और ये वाला मैच भी दोस्तों इंडिया की टीम ने जीता था। यहां पर दोस्तों 25 विकेट स्पिनर्स ने निकाली थी और 14 विकेट दोस्तों पेसर्स को मिली थी। तो पिच के हिसाब से दोस्तों बात करें तो पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया है, प्लस में अगर बॉलिंग की बात करें तो स्पिनर्स के लिए भी बहुत बढ़िया है, प्लस में दोस्तों पेसर्स को भी ट्राई करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं फाइनल हेड टू हेड के मुकाबलों के बारे में। तो दोस्तों यहां पर जो पहला टेस्ट मैच खेला गया था दोनों टीमों के बीच वो मुकाबला दोस्तों इंग्लैंड की टीम ने जीता है। अब सेकंड टेस्ट मुकाबला खेले जाने वाला है, 5 श्रृंखला होगी दोस्तों टेस्ट मैच की, एक मुकाबला यहां पर रिसेंट में इंग्लैंड की टीम ने जीता हुआ है, इंडिया की टीम दोस्तों हार चुकी थी। रिसेंट के मैचों की बात करें तो 5 में से दोस्तों 2 मुकाबले यहां पर इंडिया की टीम ने विन किए हैं, एक मुकाबला इसका ड्रा हुआ है। अगर बात करें इंग्लैंड के बारे में तो 5 में से दोस्तों 3 मुकाबले ये टीम रिसेंट में विन करके आ रही है, में दोनों का 50-50 चांसेस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के मैच में दोस्तों इंडिया की टीम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी, होम ग्राउंड पे खेल रही है इंडिया की टीम। तो बात करें दोस्तों इनकी फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, तो केएल राहुल दोस्तों आपको बाहर देखने को मिलेंगे, यहां पर रजत पाटीदार खेलते हुए नजर आ सकते हैं और यहां पर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में कुलदीप यादव आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, किसकी जगह, जडेजा की जगह। दोस्तों अगर बात करें इनके फाइनल प्लेइंग 11 के हिसाब से कौन सा खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, तो रोहित शर्मा, जायसवाल, शुभमन गिल, सुरेश अय्यर, रजत पाटीदार और केएस भरत, उसके बाद दोस्तों अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये दोस्तों आपको फाइनल प्लेइंग 11 देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इनके प्लेयर
परफॉर्मेंस की कि कौन से खिलाड़ी को दोस्तों सीवीसी ट्राई करके चले। सेफ कैप्टन भी बताऊंगा, सेफ वॉइस कैप्टन भी बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों रोहित शर्मा, रिसेंट में इतना खास परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी की तरफ से देखने को नहीं मिला है। हेड टू हेड में दोस्तों 10 ही मैच इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं, 810 रन इसके पास है और 47 का एवरेज स्कोर है। वेन्यू की बात करें तो एक ही मुकाबला खेला था दोस्तों, 303 रन थे 151 के एवरेज स्कोर से और इस खिलाड़ी का दोस्तों आज के मैच में बहुत ही कम सिलेक्शन है। इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा पिच के हिसाब से और टेस्ट मैच में दोस्तों 45 का एवरेज स्कोर है। एक ही मुकाबला रोहित शर्मा ने इस पिच पर खेला था और 303 रन इस पिच पर दोस्तों टेस्ट मैच में बनाए थे। बहुत ही इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा, प्लस में दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हो यूनिक ग्रैंड लीग टीम में। आज के मैच में मैं दोस्तों इस खिलाड़ी की तरफ से टोटल अगर रनों की बात करूं तो 200 के करीब आपको ये खिलाड़ी दोस्तों आज के मैच में स्कोर करके देने वाला है। इंपोर्टेंट खिलाड़ी है और प्लस में दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में यूनिक खिलाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें जायसवाल की तो रिसेंट में दोस्तों 80 रन, फिर 15 रन, 0 रन, 28 रन, 5 रन, हेड टू हेड में एक ही मुकाबला खेला है, 95 रन है और टेस्ट मैच में दोस्तों 5 मैचों में 45 का एवरेज स्कोर है और 411 रन इसके पास टोटल है। अभी के लिए दोस्तों जायसवाल को मैं फाइनली ड्रॉप करने वाला हूं। अगर पिच के हिसाब से अगर पिक करना पड़े तो पिच के हिसाब से दोस्तों लगभग इंपोर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है, क्योंकि दोस्तों यहां पर पिच आपको बैटिंग की देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं यहां पर रिस्क लेके चल रहा हूं दोस्तों शुभमन गिल के ऊपर। रिसेंट में 23, 0, 36, 10 और 26, रिसेंट में कंटिन्यू ये खिलाड़ी फ्लोप है, 6 मुकाबले खेल चुका है हेड टू हेड के, 163 रन इसके पास है, 16 का एवरेज स्कोर है। वेन्यू पे पहला मैच है, टेस्ट मैच में टोटल 29 का एवरेज स्कोर है। एक दोस्तों मैं शुभमन गिल को पिक करूंगा, एक यहां पर सरेश अय्यर को लेने वाला हूं। रीसेंट में इसने 35-13 फ्लोप था, फिर 4 रन नाबाद, फिर 6 रन, 31 रन, हेड टू हेड में 2 ही मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं, 82 रन है, 20 का एवरेज स्कोर है और टेस्ट मैच में दोस्तों 37 का एवरेज स्कोर है। दोनों खिलाड़ियों को पिक करूंगा और दोनों खिलाड़ियों में से दोस्तों एक खिलाड़ी आपको जरूर ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेगा, कंफर्म है दोस्तों एक खिलाड़ी आपको जरूर ट्रंप प्लेयर मिलेगा। ज्यादातर चांसेस यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं शुभमन गिल के भी। बात कर लेते हैं दोस्तों रजत पाटीदार, जो कि रिसेंट में 151 रन, फिर 4 रन, फिर 111 रन, फिर 9 रन, 8 रन नाबाद, उसके बाद 33 रन। हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है और ओवरऑल टेस्ट मैच में दोस्तों 55 मुकाबले इसने खिलाड़ी ने खेले हैं फर्स्ट क्लास के, तो फर्स्ट क्लास के टोटल 55 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं और 4000 रन कंप्लीट कर चुका है 45 के एवरेज स्कोर से। इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा, प्लस में दोस्तों इंडिया की तरफ से अगर इंडिया की टीम पहले बैटिंग करती है तो यह खिलाड़ी आपको जरूर ट्रंप प्लेयर देखने को मिलेगा, काफी अच्छा स्कोर आपको जरूर बना के देगा। तो इंपोर्टेंट खिलाड़ी है, पिक करके चलना है जीएल प्लस एसएल दोनों टीमों में। उसके बाद दोस्तों शिखर भरत, जो कि रिसेंट में 41, 28, 8 और 23, फिर उसके बाद 44 रन, हेड टू हेड में एक ही मैच खेला हुआ है, 69 रन है, 34 के एवरेज स्कोर से, टेस्ट मैच में टोटल इस खिलाड़ी के पास दोस्तों 22 का एवरेज स्कोर है, 198 रन है, विकेट कीपर ऑप्शन है, पिक करके चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अश्विन की, जो कि रिसेंट में 3 विकेट, 1 विकट, 1 रन, फिर 3 विकट, फिर 28, 0, 8, 1 विकट, 56 रन, 1 विकट। हेड टू हेड में दोस्तों टोटल 20 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हुए हैं और 999 रन है, 34 के एवरेज स्कोर से, 94 विकेट भी निकाल रखी है हेड टू हेड में। वेन्यू पे दोस्तों 2 ही मैच इस खिलाड़ी ने खेले थे, 66 रन टोटल बनाए हुए हैं, 33 के एवरेज स्कोर से, प्लस में 16 विकेट इस खिलाड़ी ने दोस्तों पिच पे निकाल रखी है। ओवरऑल टेस्ट मैच की बात करें तो 96 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले हैं और 496 विकेट कंप्लीट कर चुका है। अब दोस्तों इस मैच में आपको कंप्लीट इस खिलाड़ी की तरफ से टेस्ट मैच में 500 विकेट देखने को मिल जाएगी और ये खिलाड़ी दोस्तों आपके लिए सेफ कप्तान और सेफ वॉइस कप्तान देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अक्षर पटेल, रिसेंट में 2 विकेट, 44 रन, 1 विकेट, 17 रन, 1 विकेट, 679 रन, 1 विकेट, 12 रन नाबाद, हेड टू हेड में 4 ही मुकाबले खेले हैं और हेड टू हेड में दोस्तों बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, 30 विकेट निकाल चुका है, 166 रन है, 19 के एवरेज स्कोर से, वेन्यू पे पहला मैच है और ओवरऑल टेस्ट मैच में दोस्तों 53 विकेट यहां पर अक्षर पटेल निकाल चुका है। उसके बाद कुलदीप यादव, रिसेंट में कंटिन्यू 2 मैचों में परफॉर्मेंस है, 5 विकेट, 3 विकेट, 1 मैच में फ्लॉप था, फिर 2 विकेट और 5 विकेट, हेड टू हेड में 2 मैचों में 2 विकेट है, टेस्ट मैच में 8 ही मुकाबले खेले हुए हैं, 34 विकेट इसने निकाली हुई है। जसप्रीत बुमराह, रिसेंट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 4 और 2 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली थी और पिछले कुछ मैचों में देखोगे तो उसमें भी दोस्तों बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है, 11 मैच हेड टू हेड में 47 विकेट है और टेस्ट मैच में दोस्तों 146 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है, टोटल 33
मुकाबलों में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनल बॉलर मोहम्मद सिराज, जो कि रिसेंट में फ्लॉप था, हेड टू हेड में 8 मैचों में 21 विकेट है और 68 विकेट दोस्तों इस खिलाड़ी ने टेस्ट में निकाली हुई है। आज के मैच में मोहम्मद सिराज ट्रंप प्लेयर हो सकता है, क्योंकि उस मैच में दोस्तों जो पिच थी वो स्पिनर्स को काफी हद तक हेल्प दे रही थी, लेकिन आज के मैच में दोस्तों पेसर्स भी आपको परफॉर्मेंस करके देंगे। पेसर्स लगभग आपको 10 विकेट जरूर निकाल के देने वाले हैं। स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स का जो आंकड़ा जाएगा 20 प्लस विकेट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर दोस्तों यहां से सरफराज खान खेलता है तो इसका जो रिसेंट का परफॉर्मेंस है काफी अच्छा है और 45 मुकाबले इसने फर्स्ट क्लास के खेले हुए हैं और 69 का एवरेज स्कोर है। अगर ये खिलाड़ी खेलता है तो इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा, प्लस में ट्रंप प्लेयर होगा इंडिया की टीम की तरफ से। और दोस्तों पहले अगर इंडिया की टीम बैटिंग करती है तो इस खिलाड़ी को 100% पिक करना है। ये दोस्तों आपको बेंच प्लेयर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें सुंदर की तो रिसेंट में 1 विकेट और 96 रन, 3 मुकाबले हेड टू हेड में 2 विकेट है, 4 मैचेस दोस्तों इस खिलाड़ी ने ओवरऑल टेस्ट मैच में खेले हुए हैं और 6 विकेट अभी तक इस खिलाड़ी ने टोटल टेस्ट मैच में निकाली हुई है। अगर ये भी खिलाड़ी खेलता है तो इंपोर्टेंट खिलाड़ी रहेगा, पिक करके चल सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहां पर आवेश खान, मुकेश कुमार, ये आपको 2 ऑप्शन और देखने को मिलेंगे। काफी 1-2 खिलाड़ी दोस्तों जरूर टेस्ट मैच में अपना डेब्यू करने वाला है, सरफराज खान करे या फिर रजत पाटीदार करे, कोई भी करेगा, वो दोस्तों आपको फाइनल अपडेट में टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। बात कर लेते हैं इंग्लैंड की फाइनल प्लेइंग 11 के बारे में, कौन से खिलाड़ी को ट्राई करके चल सकते हैं। कार्ले आपको देखने को मिलेगा, बैन डॉकेट है, फिर यहां पर रूट है, फिर बेस्टो है, बैन स्टोक है जो पिछले मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। हार्टली दोस्तों मैंने पिक करके रखा था, 12% इस खिलाड़ी को पिक किया हुआ था स्मॉल लीग टीम में, लेकिन हमने ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग दोनों टीमों में इस खिलाड़ी को पिक किया हुआ था। फिर दोस्तों रेयान अहमद, ये भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा यहां पर। दोस्तों बसीर, इसको भी ट्राई करके चल सकते हो, एडर्सन आपको खेलते हुए नजर आएगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों इनके फाइनल प्लेयर परफॉर्मेंस के हिसाब से इंग्लैंड की टीम से कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों जैक कार्ले रिसेंट में 20, 31, 22, 73 और 189 रन का परफॉर्मेंस है, हेड टू हेड में 5 मैचों में 206 रन है, 20 का एवरेज स्कोर है और टेस्ट मैच में दोस्तों 31 का एवरेज स्कोर है। उसके बाद अगर बात करें बैन डॉकेट की, रीसेंट में 35, 47, 41, 42 रीसेंट में लगभग 30 प्लस का स्कोर है, हेड टू हेड में दोस्तों 100 रन बना चुका है, वेन्यू पे 1 मैच इस खिलाड़ी ने खेला था, 5 रन इसने बनाए थे और 42 का एवरेज स्कोर दोस्तों टेस्ट मैच में है। दोनों में से एक खिलाड़ी को पिक जरूर करना है। अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तो दोनों खिलाड़ी दोस्तों ग्रैंड लीग टीम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ओली पोप रीसेंट में 1 रन, फिर 196 रन, 42 रन, 3 रन, 31 रन, हेड टू हेड में 9 ही मैच खेले वे हैं, 497 रन है, 29 के एवरेज स्कोर से और टेस्ट मैच में दोस्तों 36 का एवरेज स्कोर है। अभी के लिए फाइनली मैं इस खिलाड़ी को ड्रॉप करने वाला हूं। वॉइस कैप्टनसी के लिए रूट बहुत ही बढ़िया चॉइस होगा, रीसेंट में 29 रन, फिर 4 विकेट, 2 रन, 1 विकेट, 5 रन, 2 विकेट, 91 रन, 0 विकेट, हेड टू हेड में 60 का एवरेज स्कोर है, बैटिंग से बहुत बढ़िया ऑप्शन है और सीवीसी में दोस्तों ये खिलाड़ी भी आपके लिए बढ़िया चॉइस है, सेफ सीवीसी देखने को मिल सकता है और हेड टू हेड में 16 विकेट भी इसके पास है, वेन्यू पे एक ही मैच खेला था, 78 रन इस खिलाड़ी ने बनाए थे, 39 के एवरेज स्कोर से, टेस्ट मैच में दोस्तों 65 विकेट निकाल चुका है और 11,447 रन इस खिलाड़ी ने कंप्लीट कर लिए हैं ओवरऑल टेस्ट मैच में, 49 का एवरेज स्कोर इसका बैटिंग से है और दोस्तों ये खिलाड़ी 11,000 प्लस रन बना चुका है 136 मैचों में, टेस्ट मैच का खिलाड़ी है, टेस्ट मैच में दोस्तों कैप्टन वॉइस कैप्टनसी में ट्रंप प्लेयर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जॉनी बेस्टो, जो कि आपके लिए विकेट कीपर में अच्छा चॉइस हो सकता है, रिसेंट में इतना खास परफॉर्मेंस 2-3 मैचों से देखने को नहीं मिला है, लेकिन 78 और 99 रन नाबाद भी बनाए हुए हैं, हेड टू हेड में 19 मैच खेल चुका है, 1,070 रन है, 33 के एवरेज स्कोर से, वेन्यू पे एक ही मैच खेला है, 87 रन है, टेस्ट मैच में दोस्तों 37 का एवरेज स्कोर है। बैन स्टोक की बात करें तो रीसेंट में 70, फिर 6, फिर 3, 42 और 51 रीसेंट में दोस्तों ये खिलाड़ी बॉलिंग नहीं करवा रहा है, अगर बॉलिंग करवाता है तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया कैप्टन वॉइस कैप्टन देखने को मिल सकता है। हेड टू हेड में 17 मैच खेले हुए हैं, 39 विकेट है, 27 का एवरेज स्कोर बैटिंग से है, वेन्यू पे भी एक मैच खेला था, 1 विकेट इसको मिली थी और 76 रन टोटल इसने बनाए थे, ओवरऑल टेस्ट मैच में 197 विकेट इसके पास है और 6,193 रन कंप्लीट कर चुका है, 36 का एवरेज स्कोर है,
99 मैचों में। ये खिलाड़ी दोस्तों इंपोर्टेंट होगा, बेन स्टोक को जरूर पिक करके चलना है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं बेन की विकेट कीपर ऑप्शन है। रिसेंट में इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है, हेड टू हेड में फ्लोप है। टेस्ट मैच में दोस्तों 21 मुकाबले खेल चुका है और 1000 भी कंप्लीट रन इस खिलाड़ी की तरफ से नहीं है। 31 का एवरेज स्कोर है। रेयान अहमद इंपोर्टेंट खिलाड़ी होगा पिच के हिसाब से और ये खिलाड़ी ट्रंप प्लेयर है। रिसेंट में 2 विकेट, फिर यहां पर फ्लोप, फिर 2 मैचों में 2 विकेट और 5 विकेट। हेड टू हेड में 1 मुकाबला, 2 विकेट इसके पास है। टेस्ट मैच में टोटल 9 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली हुई है, क्योंकि 2 ही मुकाबले इस खिलाड़ी ने टेस्ट के खेले हुए हैं। टॉम हार्टली दोस्तों बहुत ही कम सिलेक्शन था इस खिलाड़ी का, हमने पिक करके रखा था। 1 ही मुकाबला हेड टू हेड में खेला था इस खिलाड़ी ने, 9 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली विकेट। और दोस्तों ओवरऑल टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया था, 9 विकेट के साथ शुरुआत की है। वेन्यू पे भी 1 ही मुकाबला खेला हुआ है जिसपे दोस्तों इस खिलाड़ी ने 9 विकेट निकाली हुई है। ये बहुत पहले का ही आपको देखने को मिल जाएगा वेन्यू पे, सॉरी यहां पर वेन्यू पे दोस्तों इस खिलाड़ी का पहला मैच होने वाला है। टेस्ट मैच में 1 मुकाबला खेला हुआ है, इंडिया के साथ इसने डेब्यू किया था और 9 विकेट इस खिलाड़ी ने निकाली थी। उसके बाद दोस्तों बशीर की बात करें तो रिसेंट में 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। ये खिलाड़ी दोस्तों ओवरऑल टेस्ट मैच में 6 मुकाबले खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास के और 10 विकेट इसके पास है। हेड टू हेड वेन्यू पे पहला मैच है, यंग खिलाड़ी है और काफी बढ़िया चॉइस रहेगा और ट्रंप प्लेयर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से भी आपको लगभग जो फर्स्ट क्लास के मैच खेल रहे हैं वे भी खिलाड़ी आपको जरूर इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए नजर आएंगे और इंडिया की तरफ से भी 1-2 खिलाड़ी जरूर मिल जाएंगे। अगर बात करें एडर्सन की तो रिसेंट में 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड में दोस्तों 139 विकेट है टोटल 35 मुकाबलों में और वेन्यू पे 4 विकेट है और टेस्ट मैच में टोटल इस खिलाड़ी ने 690 विकेट कंप्लीट कर ली है। वॉइस कैप्टनशिप में भी ट्राई करके चल सकते हो, इंपोर्टेंट खिलाड़ी है। और दोस्तों अगर बात करें इनके बेंच प्लेयरों की तो लगभग दोस्तों इनके भी आपको 5 से 6 बेंच प्लेयर देखने को मिल जाएंगे। 4 बेंच प्लेयर है, इनमें से दोस्तों कोई खिलाड़ी अपडेट होगा फाइनल प्लेइंग 11 में या फिर हम जो भी खिलाड़ी को अपनी ग्रैंड लीग टीम में पिक करेंगे वो दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जरूर कर लेना। बात कर लेते हैं फैंटसी के हाई सिलेक्शन वाले खिलाड़ी। सबसे ज्यादा हाई सिलेक्शन अश्विन का है, रोहित शर्मा का हाई सिलेक्शन नहीं है, सीवीसी में ट्रंप प्लेयर है। अक्षर पटेल और यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, पॉप रूट और बेन स्टोक, टॉम हार्टली, इन 4 खिलाड़ियों का इंग्लैंड की तरफ से, इन 4 खिलाड़ियों का इंडिया की तरफ से। अगर बात करें आज की जो मेरी फाइनल फैंटेसी टीम रहेगी उसमें दोस्तों मैंने कैप्टनसी के लिए यहां पर अश्विन को ट्राई किया हुआ है, वॉइस कैप्टन मैंने रूट को रखा है अपनी फाइनल स्मॉल लीग टीम में। ग्रैंड लीग टीम में दोस्तों यहां पर मैं लगभग 10 से 20 टीमों में कैप्टन यहां पर रखूंगा, या फिर मैं ये कर सकता हूं कि 10 की 10 टीमों में कैप्टन ये रखू, वॉइस कैप्टन यहां पर मैं रोहित शर्मा के साथ जाऊं। ये मेरा फाइनल कॉम्बिनेशन रहेगा, यहां पर रियान अहमद, यहां पर टॉम हार्टली, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल इंपोर्टेंट है। बैटिंग सेक्शन में यहां पर पॉप को ड्रॉप करके चल सकते हो, यशस्वी जायसवाल की जगह आप सुरेश अय्यर, प्लस में यहां पर आपके लिए एक और खिलाड़ी है सुरेश अय्यर को पिक कर लो जो कि आपके लिए ट्रंप प्लेयर हो सकता है। या फिर दोस्तों आप ओपनिंग बैट्समैन की बात करें तो रोहित शर्मा को तो ले ही लिया, यशस्वी जायसवाल है, सुरेश अय्यर और दोस्तों शुभमन गिल, शुभमन गिल ट्रंप प्लेयर हो सकता है आज के मैच का। ये मेरी आज की फाइनल फैंटेसी टीम रहेगी, बाकी अपडेट दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन कर लेना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना लगातार अपडेट के लिए। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।